दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाने की पुलिस टीम ने लाखों की चीटिंग के मामले में बड़ा खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से MBA और डिप्लोमा डिग्री धारी शामिल हैं। गैंग का मास्टरमाइंड काजिकिस्तान में बैठकर इसको ऑपरेट कर रहा था और चीटिंग का अमाउंट को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करता था। लगभग 35.5 लाख की चीटिंग की शिकायत पर साइबर थाने की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से छानबीन करी और फिर पूरे मामले का खुलासा किया। ये गैंग एक ऐप के नाम पर पार्ट टाइम जॉब में अच्छा रिटर्न का लालच देकर लोगों को निशाना बनाते थे, इनकी मेहनत की कमाई को डकार जाते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रोहित सिकारा, वरुण, मनीष मान और उदय मित्तल के रूप में हुई है। आपको बता दें कि रोहित MBA और मॉस कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर चुका है। वरुण रशियन लैंग्वेज में डिप्लोमा डिग्री धारी है, जबकि मनीष BSc और MBA दोनों पूरा कर चुका है। चौथा आरोपी उदय मुत्तल केवल 12वीं पास है। फिलहाल अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से एडिशनल DCP मैंग बंसल की देखरेख में ACP देवेंद्र कुमार सिंह, SHO विकास और सब इंस्पेक्टर पकड़े गए। आरोपियों ने लगभग 4.5 लाख रुपए, 9 मोबाइल फोन का ट्रांजैक्शन किया है, 9 ATM कार्ड बरामद पुलिस ने बताया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से साइबर थाने की पुलिस टीम ने इन सारे आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अभी इसका मास्टरमाइंड जो है वो फरार है। फिलहाल पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर रही है। 800 न्यूज की ये खबर अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर 800 न्यूज को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर डेली हंट पर 800 न्यूज को देख रहे हैं तो डेली हंट पर 800 न्यूज को फॉलो करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। 800 न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ संजीव सिंह की रिपोर्ट। हमें एक आशीष लखोटे करके व्यक्ति हैं, ये सीनियर रेजिडेंट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। इनसे कंप्लेंट मिलती है कि ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे थे और एक ये अप्रैल में एक कंपनी है रैंडस्टेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके माध्यम से ये ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। और उसके बाद ये कुछ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, जैसे कि VIP पर एक करके टेलीग्राम ग्रुप था। फिर वहाँ से इनसे इनको कुछ कुछ टास्क दिए और उसके बाद वो लाइक और शेयर करने के बाद उनको कुछ पैसे का प्रॉफिट दिखाया गया। इस जो ये जो एक प्लेटफॉर्म से इनसे ट्रेडिंग कराई गई, इस प्लेटफॉर्म का नाम है OKX एक्सचेंज। इस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने के बाद उनको प्रॉफिट दिखाया गया। इन्होंने अपने फादर के भी जो जो रिटायर्ड हैं सर्विस से, उनके भी पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए और कुल मिला के 29 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनके साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और इतने अमाउंट पर इनसे चीटिंग हुई। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हमारे साइबर पुलिस स्टेशन की टीम, एडिशनल DCP मयंक और ACP ऑपरेशंस देवेंद्र, इंस्पेक्टर विकास, सब इंस्पेक्टर अमित, इनके नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही थी। काफ़ी टीम ने ये जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का एक भंडाफोड़ किया और इसमें इन्होंने 4 लोग पकड़े। ये 4 लोग काफ़ी हाईली प्रोफिशिएंट हैं और सबसे पहले इन्होंने जो अकाउंट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए रोहित चिक्कारा नाम के व्यक्ति को पकड़ा, जो कि द्वारका का रहने वाला है। इसके साथ साथ एक वरुण भी व्यक्ति रह रहा था जो कि पठानकोट का रहने वाला है। रोहित मास कॉम से BA किया हुआ है और MBA किया हुआ है और वरुण ने डिप्लोमा किया हुआ है रशियन और यूक्रेनियन लैंग्वेज में। ये पैसे भी ट्रॉप थे और ये बेसिकली पैसा थ्रू क्रिप्टो हमारे एक एक्यूज्ड हैं जो कि बाहर फॉरेन में रह रहे हैं, कजाकिस्तान जाता था पैसा, और इन्हीं से 2 और एक्यूज जुड़े हुए थे जिनका नाम मनीष मान है। ये मुंबई से इन्होंने MBA किया है और रोहिणी के रहने वाले हैं, और एक उदय मित्तल है, ये गाज़ियाबाद का रहने वाला, ये 12th पास है। तो ये 4 एक्यूज पकड़े, जो इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये जो पैसा है ये अलग अलग अकाउंट्स में जाता था और जो फ्रॉडस्टर है उसको अकाउंट्स दिए जाते थे। तो जैसे कि वो VIP AAA और ये वहाँ पे अकाउंट नंबर शेयर कर दिए जाते थे इन लोगों के, उनमें ये पैसा इन्वेस्ट होता था और ये जो ऐप जो OKX जो प्लेटफॉर्म है उसमें दिखाया जाता था कि इनका ये पैसा बढ़ रहा है। जब ये पैसा विड्रॉ हो जाता था तो जो बाहर बैठा एक्यूज है इसको जो क्रिप्टो में कन्वर्ट किया जाता था और इसमें इनका जो अलग अलग लोग हैं इनका 2-3% का कमीशन होता था और बाहर बैठे जो व्यक्ति हैं कजाकिस्तान में उनको ये क्रिप्टो के फॉर्म में पैसा पूरा चला जाता था। लगभग 1.5 महीने में इनसे इन अकाउंट्स में करीब 4.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और साथ ही साथ 22 कंप्लेंट्स हैं
हैं जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जो इससे रिलीज हुई, इससे लिंक हुई हैं। इसमें पूरे मॉडस ऑपरेंडी में हमें करीब 4 लाख रुपये हमें कैश रिकवर हुआ है, साथ ही साथ 9 मोबाइल फ़ोन और डेबिट 9 डेबिट कार्ड्स, कुछ चेक बुक्स, बैंक चेक्स भी रिकवर हुए हैं। तो एक टीम ने पूरा अच्छे से काम करते हुए कि सिंडिकेट को बस्ट किया।